नमस्ते, मैं मूलीबेन ब्रह्मक्षत्री आपके अपने चैनल मूलीबेन मीडिया नेटवर्क में आप सबका स्वागत करती हूँ। आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही कर दीजिए। आज हम आयुर्वेदिक वीडियो लेकर आए हैं जिसके अंतर्गत गिलोय के बारे में जानेंगे। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी को बढ़ाना बहुत मुश्किल है। अगर आपको लग रहा है कि इम्यूनिटी को बढ़ाना असंभव है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आधुनिक जीवन शैली के खान पान और रहन सहन से हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी खोई हुई इम्यूनिटी को वापस भी पाया जा सकता है। क्या ऐसा हो सकता है कि हम बारिश में भीगें और हमें जुकाम न हो, हम सर्दी में थोड़ी देर कैप लगाए बिना ही बाहर निकल जाएं और हमें बुखार न हो, गर्मियों की दोपहर में अगर बाहर निकलना पड़े तो हमें लू न लगे और कोरोना महामारी जैसी वैश्विक बीमारी से भी बचे रहें। आयुर्वेद में मनुष्य की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए कई जड़ी बूटियों के बारे में बताया गया है। इसमें सबसे असरदार अमृता को माना गया है, यानी कि गिलोय को माना गया है। आइए जानते हैं गिलोय क्या है, गिलोय के क्या उपयोग है, कितनी मात्रा में इसका सेवन करना चाहिए। सबसे पहले ये जानेंगे गिलोय क्या है। गिलोय एक बेल है। यह आमतौर पर खाली मैदान, सड़क के किनारे, जंगल, पार्क, बाग बगीचों, पेड़ झाड़ियों और दीवारों पर उगती है। गिलोय का वैज्ञानिक नाम टीनोस्पोरा कार्डिफोलिया है। अंग्रेजी में से गिलोय गिलो या रूट ऑफ इमोर्टेलिटी कहा जाता है। कन्नड़ में से अमरदवली कहा जाता है। गुजराती में गणो कहा जाता है। मराठी में गुलबेल कहा जाता है। तेलुगु में गोदुची या तित्तिगा कहा जाता है। फारसी में गिलाई कहा जाता है। गिलोय की बेल बहुत तेजी से बढ़ती है। गिलोय के पत्ते पान की तरह बड़े आकार के, चिकने व हरे रंग के होते हैं। अगर इसे पानी युक्त जगह पर लगाया जाए तो पत्तों का आकार बड़ा हो जाता है। गिलोय के फूल गर्मी के मौसम में निकलते हैं। ये छोटे छोटे गुच्छों में ही निकलते हैं और बढ़ते हैं। गिलोय के फल मटर जैसे अंडाकार चिकने गुच्छों में लगते हैं। पकने के बाद इनका रंग लाल हो जाता है। गिलोय के बीजों का रंग सफ़ेद होता है। पकने के बाद इनका रंग लाल हो जाता है। रोज गिलोय का जूस पीने से अनगिनत फायदे होते हैं। डायबिटीज के ऐसे मरीज जिन्हें टाइप 2 डायबिटीज है, गिलोय के सेवन से काफ़ी लाभ मिल सकता है। गिलोय में काफ़ी मात्रा में हाइपोग्लिसरेमिक एजेंट पाए जाते हैं जो ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए डॉक्टर अक्सर गिलोय के जूस का सेवन करने की सलाह देते हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस को हिंदी में आमवातीय संधिशोथ कहा जाता है। गिलोय में एंटी आर्थराइटिस एवं एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं। अगर हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर है तो बार बार बीमार हो सकते हैं। गिलोय का रस सेवन करने से इम्यूनिटी बढ़ती है। यह बैक्टीरिया को मारकर हेल्दी कोशिकाएं मेंटेन करके शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले फ्री रेडिकल से लड़कर इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। गिलोय स्ट्रेस में भी राहत देता है। अगर आपका सामना कभी गंभीर एंजाइटी या स्ट्रेस से हुआ है तो आपको निश्चित रूप से पता होगा कि यह कितना दुखदायी होता है। गिलोय और अन्य जड़ी बूटियां तैयार करके बनाए हुआ टॉनिक एंटी एंजाइटी व स्ट्रेस लेवल को कम कर सकता है। यह शरीर व दिमाग को शांति देने के साथ मेमोरी को भी अच्छा बूस्ट करता है। अगर कोई व्यक्ति को पीलिया हुआ है तो आप उसे गिलोय का सेवन करवा कर ठीक कर सकते हैं। गिलोय के 20-30 पत्ते लेकर पीस लें और एक ग्लास में ताजी छाछ लेकर उसमें मिला दें और बाद में दोनों को एक साथ मिलाकर छानकर मरीज को पिला दें। पीलिया ठीक हो जाएगा। कई बार कान में ईयर वैक्स या मैल निकालना काफ़ी मुश्किल प्रक्रिया हो जाता है। गिलोय के रस की एक दो बूंद कानों में डाला
जा सकता है और इससे कान में जमा हुआ पुराना जिद्दी मैल ईयरवैक्स आसानी से बाहर आ जाएगा। बुखार में गिलोय बहुत अच्छा काम करती है। गिलोय में ज्वरनाशक गुण होते हैं। गिलोय प्लेटलेट्स बढ़ाने में व जानलेवा बीमारियों से लड़ने में मदद करती है। यह डेंगू बुखार के लक्षणों को भी दूर करती है। गिलोय के शहद को थोड़ी मात्रा में शहद के साथ मिलाकर इस्तेमाल करने से मलेरिया की समस्या दूर हो जाती है। अगर किसी को बवासीर है तो गिलोय अच्छा काम कर सकती है। बवासीर या पाइल्स बेहद दर्दनाक होते हैं और इनमें इनसे जितना जल्दी छुटकारा मिले उतना ही अच्छा है। गिलोय के इस्तेमाल से हर प्रकार की बवासीर ठीक हो सकती है। धनिया की पत्ती गिलोय व हरड़ को समान मात्रा में मिलाकर पीस लें और इस मिश्रण को 20 ग्राम मात्रा लेकर आधा लीटर पानी में मिलाएं और उबालें और थोड़ी सा गुड़ डालकर इसको सेवन करें तो बवासीर ठीक हो जाते हैं। गिलोय के नियमित सेवन से पाचन तंत्र व पेट से संबंधित समस्याओं का निदान हो जाता है। गिलोय अदरक की जड़ को समान मात्रा में मिलाकर उबाल लें और 20-30 ग्राम काढ़ा सेवन करें, पेट और पाचन संबंधी समस्याएं दूर हो जाएगी। आजकल अस्थमा या दमा से पीड़ित लोगों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। किसी को अस्थमा की समस्या है तो उसे गिलोय की जड़ चबाने की सलाह दी जाती है। इससे सीने में कड़ापन आता है और गले में घरघराहट, कफ आना और सांस से जुड़ी समस्याओं में राहत मिलती है। आंखों की रोशनी को भी गिलोय बेहतर करता है। आंखों के डिसऑर्डर होना आम बात है। महंगे उपचारों में पैसा बहाने की जगह इस कम खर्च वाले ट्रीटमेंट को अपनाया जा सकता है। गिलोय कॉर्निया डिसऑर्डर, मोतियाबिंद जैसी समस्याओं को ठीक करता है। गिलोय के सेवन से हाथी पांव को ठीक किया जा सकता है। हाथी पांव या फाइलेरिया बेहद ही सामान्य लेकिन गंभीर समस्या है। इस समस्या से इंसान के शरीर के अंग बुरी तरह से सूज जाते हैं और ऐसा फिलेरियल वर्म के कारण होता है। इस समस्या को गिलोय के सेवन से आसानी से ठीक किया जा सकता है। 10 से 20 ग्राम गिलोय के जूस में 50 ml कड़वे बादाम का तेल मिलाकर इस मिश्रण को सुबह खाली पेट सेवन करने से आश्चर्यजनक रूप से फायदा होता है। लीवर डिसऑर्डर को ठीक करता है गिलोय। इस दवा का उपयोग लीवर डिसऑर्डर के लिए भी किया जा सकता है। यदि आप एलोपैथी की दवाइयों का सेवन करते करते थक चुके हैं तो आप लीवर की दवा बना सकते हैं। 2 ग्राम धनिया के बीज, काली मिर्च के 2 बीज और नीम की 2 पत्तियां और 18 ग्राम ताजी गिलोय, इस सामग्री को एक साथ पीस कर 250 ml पानी में मिट्टी के बर्तन में रख लें और रात को छोड़ दें और अगली सुबह इस मिश्रण को पीसें और छान लें। कारगर नतीजों के लिए इस मिश्रण को 15 से 20 दिन इस्तेमाल करें। लीवर की समस्या में फायदा होगा। एक समस्या जिससे हर उम्र के इंसान को गुजरना पड़ता है वो है बढ़ती उम्र के लक्षण। इन लक्षणों को स्किन पर झुर्रियाँ आ जाना, महीन लाइन बन जाना सबसे बड़ी समस्या है। गिलोय में एंटी एजिंग गुण पाए जाते हैं। ये डार्क स्पॉट, झुर्रियों, पिंपल, मुहासे, महीन लाइन को हटाने में मदद करता है। किसी को सांस लेने में समस्या है जैसे सर्दी, जुकाम, टॉन्सिल, कफ आदि, गिलोय के सेवन से आसानी से ठीक हो जाते हैं क्योंकि इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं जो गुण सांस की समस्या को कंट्रोल करने में और दूर करने में मदद करते हैं। यदि किसी को ब्रोंकाइटिस या ब्रोंकियल अस्थमा है तो और उल्टी की समस्या है तो इस उपाय को अपनाना चाहिए। गिलोय, कंटकारी और अड़ूसा की छाल, इन तीनों को समान मात्रा मिलाकर आधा लीटर पानी में उबालें और जब पानी आधा रह जाए तो छान कर सेवन करें। इस काढ़े को पीते समय थोड़ी मात्रा में शहद भी मिलाया जा सकता है। मूत्र विकार या पेशाब नली में होने वाली जलन को दर्द को कम करने में गिलोय का सेवन बहुत फायदेमंद होता है। गिलोय व चित्रक को 20-30 ग्राम मात्रा लेकर उसका काढ़ा बना लें और दिन में 2 बार सेवन करें। 1 ग्राम गिलोय से तो 3 ग्राम शहद मिलाकर सेवन करें, सुबह शाम 2 बार लें।
यह प्राकृतिक औषधि वात रोगों को दूर करने में बेस्ट औषधि है। समस्या स्थाय लाभ के लिए गिलोय के सत के साथ अरंडी का तेल मिलाने और वहाँ जहाँ जरूरत हो वहाँ लगाया जा सकता है। शरीर में लाल रक्त कणिकाओं की कमी हो जाने पर एनीमिया की समस्या हो जाती है। एनीमिया के लक्षणों में सुस्ती, आलस और सांस उखड़ना आदि शामिल है। इन लक्षणों से छुटकारा पाने के लिए गिलोय के पाउडर से बने काढ़े का सेवन किया जा सकता है। गिलोय की उत्पत्ति के संबंध में कहा जाता है कि समुद्र मंथन के समय अमृत कलश के छलकने से उसकी बूंदें जहां गिरी वहीं गिलोय या अमृता पौधा निकल गया। आयुर्वेद में गिलोय बहुत उपयोगी है और गुणकारी बताया गया है। इसे अमृता, गुड़ुची, गुर्ज, अधुपर्ची, मधुपर्ची, जीवंती का कई नामों से जाना जाता है। भारत के प्राचीन वैद्य आचार्य चरक को भारतीय औषधि विज्ञान का पिता कहा जाता है। आचार्य चरक ने अपने ग्रंथ चरक संहिता में गिलोय के गुणों का खूब वर्णन किया है। आचार्य चरक के अनुसार गिलोय वात दोष को हरने वाला, त्रिदोष मिटाने वाला, खून को साफ करने वाली, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने वाली, बुखार ज्वरनाशक, खांसी मिटाने वाली प्राकृतिक औषधि है। आयुर्वेद के अनुसार टाइफाइड, मलेरिया, काला ज्वर, फ्लू, डेंगू, मलेरिया, पेट के कीड़े होने की समस्या, रक्त की खराबी होना, लो ब्लड प्रेशर, हार्ट की बीमारियां, टीबी, मूत्र रोग, एलर्जी, पेट के रोग, डायबिटीज, स्किन डिजीज में गिलोय के सेवन से राहत मिलती है। गिलोय से भूख भी बढ़ती है। गिलोय में ग्लूकोसाइट, गिलोइन, गिलोइनिन, गिलोस्टेरॉल तथा बर्बेरिन नाम के एल्कलॉइड पाए जाते हैं। वैसे तो गिलोय की कई प्रजातियां होती हैं, किंतु भारत में कड़वी गिलोय का ही दवा बनाने में उपयोग किया जाता है। गिलोय की बेल जिस पेड़ पर चढ़ती है उसके गुणों को ग्रहण कर लेती है, इसलिए नीम के पेड़ पर चढ़ने वाली गिलोय को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ऐसी गिलोय को नीम गिलोय कहा जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि गिलोय जिस पेड़ पर चढ़ती है उसे मरने नहीं देती है, न ही इसके सेवन करने वाले को मरने देती है। योग आयुर्वेद के विद्वान इसीलिए इसको अमृता नाम दिया है। गिलोय शरीर में इम्यूनिटी बढ़ाने वाली औषधि है। एक दिन में स्वस्थ मनुष्य गिलोय को 20 ग्राम मात्रा अधिकतम सेवन कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति गिलोय का जूस पी रहा है तो उसकी मात्रा 20 ml से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इससे ज़्यादा सेवन करने से गिलोय नुकसान भी कर सकती है। इस प्रकार आज हमने अमृत समान औषधि गिलोय के बारे में जाना। आज बस इतना ही। धन्यवाद।